वेलकम दोस्तों, आज हम सीखने वाले एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट की, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया जाए ताकि स्टूडेंट इसी वीडियो को देखकर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल किस प्रकार के, मैंने पहले ही सवाल को लिखा हुआ है, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन मैंने पहले लिख दिया है ताकि थोड़ा समय हमारा बच जाए। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। तो आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिनके सारे के सारे साइड जो होते हैं ना, तीन साइड, वो इक्वल होते हैं और सारा एंगल्स इक्वल होता है। मतलब ए बी सी का सारा साइड इक्वल है। फिर क्या बोलता है सवाल देखते हैं। डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी एक पॉइंट है बी सी में, कहीं भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3, ठीक है, ऐसे रखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी होना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रूव दैट 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB², हमें ये प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ को मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन जो सवाल में दिया हुआ रहेगा वही चीज़ हम गिवन लिखते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में हमें हमेशा गिवन से शुरू करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करने दिया है, टू प्रूफ आता है। टू प्रूफ में हमें 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB² हमें प्रूफ करने दिया, तो उस चीज़ को हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होते हैं कि सर ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो हम बता दें, इस पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपको, कि मान के चलिए मैं आपकी मम्मी आपको 10 रुपया देती है और बोलती है बेटा जाओ मार्केट पे और 2 किलो चिकन लेके आओ। तो आप मुझे, आप क्या जवाब दोगे मम्मी को? आप मम्मी को बोलोगे मम्मी मजाक कर रही हो, 10 रुपये में 2 किलो चिकन कैसे आएगा, आप मुझे और पैसा दो, मैं 10 रुपये में 2 किलो चिकन नहीं ला सकता। तो इन द सेम मैनर उसी चीज़ को अगर यहाँ डाल दूँ, तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन इस सवाल में मुझे दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से मैं पूरा सवाल को नहीं बना सकता, मुझे और कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे और चाहिए, आप मुझे और दो, तो वो तो सवाल तो खुद देगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, खुद ब खुद मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है ताकि मुझे वो सवाल को मैं क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ है, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ए ई परपेंडिकुलर बी सी, मैंने ए ई को परपेंडिकुलर किया है बी सी पे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। उसके बाद मैंने ए डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये तो हमारा था कंस्ट्रक्शन पोर्शन। अब हम प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि ए ई परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी ई इक्वल टू ई सी हो जाता है, पता तो है लेकिन हमको करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी ई और ए ई सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ए बी ई एंड ट्राइंगल ए ई सी। अब इन दोनों में सबसे पहला है 90 डिग्री, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, रीजन देंगे 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ये ए बी जो है ए सी के बराबर है, क्यों, साइड ऑफ अ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद ए ई जो है वो कॉमन है, ए ई इक्वल्स टू ए ई कॉमन है। तो देखिए तीन चीज़ मुझे मिल गया, देयरफॉर मैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ई सी। कौन सा क्राइटेरिया से हो गया, आर एच एस बाय आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने हाइपोटेनियस को भी लिया, 90 डिग्री को भी लिया और साइड को भी लिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सी पी सी टी लेना है, ठीक है, मुझे क्या सी पी सी टी लेना है, बी ई इक्वल टू ई सी हमें पता था, फिर भी मैंने जानबूझ के इसको करके दिखाना तो पड़ेगा। तो बी ई इज इक्वल टू ई सी मैं लिख सकता हूँ बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी का फुल मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इतना मेरा बन गया, ये काम मैंने किया क्यों, ताकि मुझे बी ई इक्वल टू ई सी मिल जाए। ऐसे तो बी ई इक्वल टू ई सी होता है, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, फिर भी मुझे ये चीज़ को दिखाना था।
अब हम क्या करेंगे, अब वी हैव, हमारे पास है क्या है, हमें दिया गया है बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, हमें दिया गया है, ये गिवन है भाई लोग, ये मुझे गिवन दिया गया है, ठीक है। एंड मैं एक चीज बोल सकता हूं, जबकि बी ई और ई सी अगर इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं बी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू हाफ बी सी, ठीक है, ये दोनों आधा आधा हो जाते हैं। तो ये दो चीज हमें यूज करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, यूज करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है डायग्राम पे। दो डायग्राम लेंगे हम, दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ए बी ई और एक ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। ये दोनों ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और इक्वेशन को आगे करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई में ए ई बी जो है 90 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम डाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारा हाइपोटेनियस हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्टकट में पाइथागोरस थ्योरम को पी टी लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन वन बोल दे रहा हूँ। अब फिर से मुझे दूसरा ट्राइंगल लेना है ए डी ई, तो मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ एंगल ए ई डी जो है ए ई डी 90 डिग्री है। अब यहाँ भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम डालना है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम और इक्वेशन टू। अब मुझे ये दो इक्वेशन मिल गया, अब मुझे क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ ना, ठीक है। आपको याद रखना होगा मुझे अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करना है, ठीक है दोस्तों, मुझे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करना है। आप देखिए ध्यान से, नाउ इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, मतलब इक्वेशन वन का LHS माइनस करेंगे, इक्वेशन टू का RHS माइनस करेंगे, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा। मुझे दिया गया है, देखिए इक्वेशन वन में क्या है, LHS में ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर है दोनों में, वन माइनस टू, तो ए बी माइनस ए डी स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ इस साइड लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इक्वल्स टू मुझे क्या है, यहाँ आर एच एस में क्या है, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करना है। तो अब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा। यहाँ होगा बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, तो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है ये सारा चीज़, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को खोल देंगे, मैं सारा स्टेप आपको लिख के दिखाऊंगा, माइनस प्लस माइनस डी ई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए ई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ एल एच एस जो है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो यहाँ मुझे मिल गया बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इधर का कोई चेंजेस नहीं है। अब मुझे क्या है ना, इन दोनों को देखना है, बी ई का वैल्यू मुझे दिया हुआ था हाफ बी सी स्क्वायर, हाफ बी सी दिया हुआ था, लेकिन डी ई का वैल्यू मुझे दिया नहीं है। यहाँ देखिए आप, बी ई का वैल्यू मुझे हाफ बी सी दिया हुआ है लेकिन डी ई का दिया नहीं है, तो मैं डी ई को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से ताकि उसका वैल्यू भी मुझे दिया हुआ रहे। तो बी ई के जगह में मैं हाफ बी सी पुट करूंगा, हाफ बी सी क्योंकि दिया हुआ है, माइनस डी ई के जगह में मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिए, डी ई के जगह में मैं क्या करूंगा, डी ई के जगह में मुझे क्या करना है, अगर मैं बी ई से बी डी को माइनस कर देता हूं, मतलब इरेज कर देता हूं, तो क्या बच जाता है, डी ई, तो इसीलिए मैं यहां लिखूंगा बी ई माइनस
बी डी होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ बी ई माइनस बी डी स्क्वायर मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर, यहाँ जो है वो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर बाय फोर। अब यहाँ क्या है, बी ई मतलब मुझे हाफ बी सी पता है और बी डी मतलब भी मुझे दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं बी डी मतलब भी आपको दिया हुआ है 1/3 ऑफ बी सी, तो वो भी वहाँ लिख दूंगा मैं 1/3 ऑफ बी सी, 1/3 ऑफ बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ था तो मैंने वो ही लिख दिया जो दिया हुआ था। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय फोर, अब यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा 6 3 BC माइनस 2 BC। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया ए बी स्क्वायर, यहाँ तो सेम है, कुछ करना ही नहीं है, ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर बाय फोर और ये माइनस करने के बाद आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 36। ठीक है, मैं 6 स्क्वायर को 36 बना दिया, ऊपर बी सी हो जाते हैं तो बी सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एलसीएम कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 BC² और ये हो जाएगा BC². होप आपको फ्रैक्शन का एलसीएम आता होगा। अब फिर ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8 BC² बाई 36। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कैंसलेशन पे जाऊँगा, 2 4 जा 8 2 18 जाइए, तो कैंसलेशन हो रहा है, 2 2 जा 2 9 जा, तो यहाँ बच गया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब यहाँ बी सी स्क्वायर जो है, मैं बी सी को ए बी स्क्वायर बना रहा हूँ ताकि इसके साथ मुझे लाइक टर्म मिल जाए और लिख भी सकता हूँ, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो -2/9 ए बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 9 9 AB² माइनस 2 AB² इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 AB² माइनस 2 AB² यहीं रहेगा और ये 9 AD² हो जाएगा। अब ये होगा 7 AB² इज इक्वल्स टू 9 AD². देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, पूरा स्टेप बाय स्टेप मुझे दिखाना था तो मैंने कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।